तो हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज़ इन्फोटेक्स इस यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ विंडोज़ के टास्क मैनेजर के बारे में, विंडोज़ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल के बारे में। विंडोज़ मॉनिटरिंग टूल जो एनालाइज करता है आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को, फिलहाल उसके बारे में। तो गाइस, वीडियो को इंटक देखिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, चैनल पर हमारे इथकल हैकिंग नेटवर्क सिक्योरिटी CCNA ने माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2012-2016 की कंप्लीट ट्रेनिंग ले सकते हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते बिना लेट किए वीडियो को, कि विंडोज़ के परफॉर्मेंस को कैसे मॉनिटर कर सकते हो। तो गाइस देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले आप अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो और आप देखना चाहते हो कि आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस क्या है, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा, और ये जो टास्क मैनेजर टूल है, जो टास्क बार है, यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो, लॉक द टास्क बार, और टास्क मैनेजर यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले टास्क मैनेजर का यूज़ मैं बताता हूँ, एंड देन परफॉर्मेंस को तुम लोग चेक करेंगे ही करेंगे। कभी कभी क्या होता है गाइस, जैसे आपने एक प्रोग्राम ओपन कर दिया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या ओपन कर देता हूँ, कि मैं चलिए कंट्रोल पैनल ओपन कर दिया। मान लिया एक प्रोग्राम आपने ओपन कर दिया, अभी क्या हो रहा है कि ये प्रोग्राम बार बार आप यहाँ पे क्लोज़ कर रहे हो, बंद नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हो आप, इस तरीके से ब्लॉक कर सकते हो। ब्लॉक करने के लिए, सॉरी, बंद कर सकते हो, क्लोज़ कर सकते हो, इसको फोर्सफुली क्लोज़ करने के लिए, जब भी कोई भी प्रोग्राम हैंग कर दे आपके कंप्यूटर को, बंद ना हो, तो सिंपल आप यहाँ पर जाइए और टास्क मैनेजर खोलिए। और टास्क मैनेजर में जाने के बाद आप यहाँ पर देखो, परफॉर्मेंस में कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल आप कहाँ से कर सकते हो, सॉरी, कंट्रोल पैनल जैसे यहाँ से ओपन हो गया, और अभी इसको क्लोज़ करना है, तो टास्क मैनेजर देखो यहाँ पे दिया हुआ, और यहाँ पे फ़िलहाल कंट्रोल पैनल इनबिल्ट वो है, इस वजह से नहीं हो रहा है। चलिए VLC को ओपन कर लेते हैं, और मान लिया ये क्लोज़ नहीं हो रहा है, तो आप VLC को यहाँ से क्या कर सकते हो, सेलेक्ट करके एंड टास्क कर दो, VLC फोर्सफुली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये एक तरीका रहा गाइज आपके कंप्यूटर को फोर्सफुली बचाने के लिए। दूसरा, सॉरी, फोर्सफुली कोई भी कंप्यूटर पे एप्लीकेशन हैंग कर दे या वो क्लोज़ ना हो, तो उसको बंद कर सकते हो। दूसरा चीज़, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, टास्क मैनेजर में जाके अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। ये प्रोसेसेस में तो जो जो चल रहा है हमारे कंप्यूटर पे वो चीज़ दिखाएगा, तो हमें उसको नहीं टच करना है, यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CPU की परफॉर्मेंस आपको दिखा रहा है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि ये हमारा मेमोरी, और ये CPU है, डिस्क है, ईथरनेट है, इस वाईफाई है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। CPU जो इस समय है वो 15% इतना यूज़ हो रहा है, और स्पीड 2.77 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास ये आ रही है, और बेस स्पीड 2.99 गीगाहर्ट्ज़, मतलब यहाँ पे ये दे रहा है प्रोसेसेस 121 को प्रोसेस कर रहा है, अप टाइम 3 मिनट 6 सेकेंड से अप टाइम ये दिखा रहा है, अभी अभी कंप्यूटर ऑन हुआ है। मेमोरी की परफॉर्मेंस देखो तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे 1066 मेगाहर्ट्ज़ स्पीड का ये है, और स्लॉट यूज्ड 1 of 4, शायद 4 स्लॉट का ये दिया हुआ है, तो एक मेमोरी यूज करी जा रही है, और 2.2 GB यहाँ पे ये दिया हुआ है, 2.2 GB, और यहाँ पे टोटल मेमोरी का स्पेस दिया हुआ है 4 GB SD रैम, तो 4 GB का यहाँ पे SD रैम लगा हुआ है अवेलेबल, अभी 2 GB यहाँ पे खाली है, और ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। आप अपने कंप्यूटर का देखो यहाँ पे डिटेल जो भी परफॉर्मेंस है चेक कर सकते हो। और यहाँ पे बात करा जाए गाइस, तो इन यूज़ इतना 1.7 GB यूज़ है, और यही सारी चीज़ें। अब यहाँ पे डिस्क में जाओ तो हार्ड डिस्क का ये स्पेस दिखा रहा है, फॉर्मेटेड 368 GB यानी 500 GB की हार्ड डिस्क है, और WDC का 500 GB का है साटा हार्ड डिस्क, और सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। इथरनेट की डिटेल ये है, और वाईफाई का डिटेल ये है। वाईफाई यहाँ पे देखो एड्रेस वगैरह दिखा रहा है कुछ, और 802.n पे दिखा रहा है, और ये SSID वगैरह से आईफोन है, IP वर्जन 4, इस IP पे काम कर रहा है, यही सारी चीज़ें दिया हुआ है। एप्लीकेशन हिस्ट्री, स्टार्टअप, यूजर, एडमिनिस्ट्रेटर से मैं लॉग इन हूँ, और सर्विसेस इतनी सारी चल रही हैं गाइज, यही सारा है डिटेल चेक करने के लिए। अब ओपन रिसोर्स मॉनिटर, अगर मान लिया आपके CPU का यूसेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कुछ एप्लीकेशंस जो भी यहाँ पे चल रहे हैं आप उनको क्लोज़ कर दो, बंद कर दो।
तो आप उनको बंद कर सकते हो। दूसरी चीज, अब यहाँ पे मुझे चेक करना है कि हमारे ओपन सोर्स मॉनिटर, सॉरी ओपन रिसोर्स मॉनिटर यहाँ पे, अब थोड़ा सा और इसको ग्राफिकली समझते हैं इन्हेंस करके। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सीपीयू का यूसेज ये है और इतनी सारी सर्विसेज क्या हो रही हैं, रन हो रही हैं। डिस्क का ये डिटेल है, नेटवर्क का ये डिटेल है, ये मेमोरी का ये डिटेल है, ये सारी चीज़ें। और आप यहाँ पे सीपीयू का सिंपल देखना चाहो, मेमोरी का देखना चाहो, कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है। तो यही सिंपल होता है, टीसीपी कनेक्शन जो है हमारा, आईपी और हर चीज़ दिखा रहा है। तो ओवरऑल यही सारी चीज़ें हैं। इन केस आप यहाँ फाइल में जाके एग्ज़िट कर दो और दोबारा से टास्क मैनेजर में जाओ और फाइल में जाके लाइक ऑप्शन या यूज़र या परफॉर्मेंस में, फाइल में जाके रन न्यू टास्क, लाइक कुछ भी नया रन करना चाहते हो प्रोग्राम, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो जो भी है। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और यही सारा रहा आपका परफॉर्मेंस मॉनिटर के बारे में लेकर और सारी चीज़ें। लाइए एक बार डिटेल में चेक करते हैं परफॉर्मेंस मॉनिटर को लेके कि क्या है। तो गाइज यहाँ पे डिटेल में जाते हैं और परफॉर्मेंस को एक बार यहाँ से अच्छे से देखते हैं। रिसोर्स मॉनिटर में या तो मैंने देख ही लिया कि कभी कभी क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या होती है, आपके कंप्यूटर की मे बी स्लो हो जाती है जो कुछ भी, तो आप परफॉर्मेंस में जाके मेमोरी में जाओ या पर्टिकुलर मेमोरी में और F5 यहाँ पे प्रेस करो। जब F5 प्रेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर रिफ्रेश करेगा और जो भी पुराना पेंडिंग टास्क होगा उसको फटाफट एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा और सीपीयू का मैक्सिमम पार्ट ये यूज करा देगा, जिसके वजह से वो पर्टिकुलर पेंडिंग टास्क आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मैं देखो अभी भी F5 प्रेस किए हुए हूँ, अगर आप मैं F5 छोड़ दूँ तो ये देखो फिर से आराम आराम से और सीपीयू की यूसेज को कम कर दिया। फिर से मैं F5 प्रेस करूँ, देखो सीपीयू यूसेज बढ़ गया और आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, कंप्यूटर की फास्ट हो जाती है। तो थोड़ा सा इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। गाइज ओवरऑल यही रहा सारी चीज़ें। एक चीज़ और आप कर सकते हो कि टेम्परेरी फाइल वगैरह आप अपने कंप्यूटर से डिलीट करके आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लाइक ये है और मैं इसको डिलीट कर दूँ, सारा सेलेक्ट करके ये मैंने डिलीट कर दिया। कुछ फाइल्स होती हैं जो डिलीट नहीं होती है, तो उनको हमें डिलीट नहीं करना क्योंकि प्रेजेंट टाइम में वो कहीं ना कहीं यूज हो रही होती हैं। सिंपल टेम्प लिखोगे, एक परसेंटेज के साथ टेम्प आपने लिखा, एक सिंपल टेम्प लिख दीजिए, टेम्प मतलब टेम्परेरी फाइल। तो यहाँ से भी बहुत सारी टेम्परेरी फाइल होंगी, इनको भी आपको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। तो दो तरीके से डिलीट कर दिया आपने, दोबारा से रिसेंट में आप जाके क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, लाइक RECENT रिसेंट और इंटर करो। ये रिसेंट जो भी यहाँ पे टास्क रहा होगा या काम रहा होगा, ये चीज़ को आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो विंडो R रिसेंट, देखो डिलीट कर दिया मैंने। तो कंट्रोल A करके ऑल सेलेक्ट और डिलीट कर दो, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर दो, तो इस तरीके से आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं ज़्यादा ही आपको मिलेगी। तो फिलहाल यही रहा परफॉर्मेंस मॉनिटर टूल के बारे में। गाइस कंट्रोल अल्ट और डिलीट की प्रेस करने पे आपके कंप्यूटर पे टास्क मैनेजर अगर ओपन नहीं हो रहा है यहाँ से कभी कभी हैंग होने की वजह से, तो कंट्रोल अल्ट और डिलीट की प्रेस कर लीजिएगा तो ज़रूर ओपन हो जाएगा, वहाँ पे टास्क मैनेजर का ऑप्शन आ जाता है। गाइज मैं क्यों नहीं करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर करूँगा तो हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि लॉक स्क्रीन पे कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं होती है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बट आप कंट्रोल अल्ट और डिलीट की प्रेस करोगे तो भी वहाँ पे टास्क मैनेजर का ऑप्शन आएगा, वहाँ से टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हो। तो गाइज यही रहा टास्क मैनेजर के बारे में, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए बिना मत जाएगा। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड गुड बाय।